Dear students, I am your physics teacher. Dear students, आज हम class 10 physics के chapter 2 के MCQs करेंगे. इसका पहला MCQs है, which is an example of longitudinal waves. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हवा का प्रेशर चेंज होकर आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर. नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड. तो हम जानते हैं कि साउंड मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. एस्ट्रोनॉट इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई रेडियो लिंक्स, बिकॉज हम जानते हैं कि खला में एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के साथ रेडियो लिंक से इसलिए बातचीत करते हैं क्योंकि खला में आवाज़ डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती. साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, क्योंकि साउंड वेव्स स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड. लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी. फॉर अ नॉर्मल पर्सन आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड है साउंड वेव्स लाइज बिटवीन. हम जानते हैं कि ह्यूमन ईयर के लिए साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. नेक्स्ट MCQs है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड. जब साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस. तो इनमें से कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है, वेवलेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड. तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमने पढ़ा है वी इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी. इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है कि वेवलेंथ और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ भी कम हो जाएगी और टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, यानी वेवलेंथ और टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका होमवर्क है और ये MCQs आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और बुक पे निशान भी लगाने हैं.